हमारी जिंदगी में सबसे अच्छा पल कौन सा था? बचपन। बचपन वो ऐसा एक पल होता है जिसमें ना कोई टेंशन होता है ना कुछ, और जब मन किया मम्मी को जाके बोला मम्मी भूख लग गया है, और खाना मिल जाया करता था, और जब मन करने का सोने का मम्मी की गोदी पे सोया करते थे। आज जब मम्मी का कॉल आया, मम्मी ने बोला कि बेटा खाना खा लिया, तब उस समय किस तरह झूठ बोला हूँ कि हाँ मम्मी खाना खा लिया हूँ, पर एक अंदर से आवाज आई कि झूठ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सुबह से जब 11 बजे से ट्यूशन निकलता हूँ, रात को 9 बजे कॉलेज खत्म होता है, तब बोल नहीं पाता कि मम्मी टाइम नहीं मिला खाने का, क्योंकि जो मेहनत कर रहा हूँ उस खुशी की आंसू आपको नहीं दे सकता। पता नहीं किस तरह आपको बताऊं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। आप ही से सीखा है किस तरह जीना है, और आप ही से सीखा है क्या सही है क्या गलत। कुछ समय पहले आपकी हर बातें बहुत इरिटेटिंग लगती थी, लगता था कि नहीं यार क्यों हमेशा हर चीज के लिए मना कर रहे हो, क्यों मुझे यहां जाने नहीं दे रहे हो, वहां जाने नहीं दे रहे हो, पर अब समझ में आता है जो आप बोलते थे सही था। तुझे ये बताना है कि सुबह कैसे आप उठ जाते हो मेरे से पहले और काम में लग जाते हो, और हमारे सोने के बाद देखते हो कि आया हाँ बेटा सो गया है, तब जाके सोते हो, हमारी इतनी चिंता कर कैसे लेते हो। आप के बारे में क्या बोलूं, आप तो किचन की क्वीन हो, रोज हमारे लिए एक से एक डिश बनाती हो और हमें बताती हो कि बेटा ये खा के बता कैसा लगा, और खुद खाती हो लास्ट में बचा हुआ अनफिनिश्ड। इन फीवर एंड फ्लू विदाउट एनी चू आप हमारा हमेशा करते रहते हो सेवा, और जब भी हमें होता है कोई भी टेंशन बोलते हो बेटा टेंशन मतलब मैं हूं ना। मुझे आज भी वो याद है बचपन की बात जब पापा मुझे डांटा करते थे और आप पीछे से बस मुंह बना के बोलते थे बेटा कुछ नहीं पापा को जाने तो दे। उसके बाद फिर समझ में आया कि जब मैंने क्लास 3 में कराटे ज्वाइन किया तब उसके एक दिन पहले ही आपने बोला था कि बेटा कराटे मत ज्वाइन करना, और मैं गया ना अब कराटे ही ज्वाइन करना है और उसे ही अपना स्कोप बना लिया कि अब किसी में कुछ करना है। जब घर आके बोला कि मम्मी कल टूर्नामेंट है और मुझे जीतना है, जब आपको पता चला कि टूर्नामेंट है आपने दौड़ के जाके ड्रेस लेके आया, बोला बेटा ये ले जा जीत के आना, और वो याद है वो नेशनल लेवल गेम था, पूरी माहौल में तनाव थी, कहीं किसी के मुंह से खून निकल रहा था तो किसी के हाथ से, आपने बोला बेटा कर पाएगा, मैंने बोला मम्मी आप साथ हो ना, मम्मी ने कहा हाँ बेटा तू जा तो सही, और उस दिन जब मैं रिंग पे उतरा तो सारी जगह सिर्फ मेरा आवाज था, और जब जीत के आया तब एक ही ख्वाब था कि मम्मी तेरी वजह से जीता हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह बयां करूं कि मैं उस समय नहीं रह पाता जब तेरे को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं तेरे पाँव में तेल तो नहीं लगा पाता, मैं तेरा परफेक्ट सन नहीं बन पाया, तुझे जब भी जरूरत पड़ी मैं हमेशा कुछ ना कुछ बहाने मारते रहा कि मम्मी तेरे जोड़ों की दवाई लानी भूल गया, या फिर कॉल नहीं कर पाता कि मम्मी आज भूल गया कॉल करना, 3-4 दिन हो जाती है कॉल पे बात नहीं होती लगता है, पर कभी ये बोला नहीं कि मम्मी सीरियसली मिस यू। एक दिन डर लगता है कि जब तुझे कॉल करूंगा और एक ऑटोमेटेड आवाज बोलेगी द पर्सन यू आर ट्राइंग टू कॉल इज नो मोर, तब डर लगता है, वो बात सोच के डर लगता है कि तब क्या करूंगा, आज तक तूने हर चीज सिखाया है कि किस तरह रहना है क्या करना है, सब तो तूने हाथ पकड़ के करवाया है, पाँव में जब कांटे लगे थे तो एक एक कांटों को खुद अपने हाथों से निकाला है बिना मेरे रोते हुए देखे, अब कैसे बता कि तेरे बिना कैसे रहूं, ये तो तूने कभी नहीं सिखाया मम्मी, बस डर लगता है कि। और पता है मेरा एक दोस्त था, उससे मैं हमेशा पूछा करता हूं कि भाई तू इतनी दुआ किसके लिए मांगता है, रोज नमाज क्यों पढ़ता है। उसने वापस चटाई निकाली, नमाज पढ़ना चालू किया, उठ के बोला भाई मैं अपने लिए दुआ मांगता हूँ। बोले क्यों भाई क्यों इतनी दुआ मांगता है, तो उसने कहा मेरे पास तेरी ऐसी माँ तो नहीं ना जो मेरे लिए दुआ मांग सके। उस दिन उसे पकड़ के फूट फूट के रोया हूं कि अगर जिंदगी में कुछ नहीं भी मिला तो ये खुशी रहेगी कि आई हैव गॉट एवरीथिंग, आई गॉट माय मॉम, बस यही दुआ मांगता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहे और मेरे साथ रहे। थैंक यू। क्या